क्लास सेकंड वेलकम इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर वन मल्टीप्लाई एक्सरसाइज वन जो है हमारे न्यू चैप्टर की वो हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। डेट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर कि काउंट एंड सीट्स राइट हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, फोर सेट से टू का, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आपको काउंट करके मल्टीप्लाई है, पर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो आपको काउंट करके लिखना है। तो ये आपकी चैप्टर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, नंबर लाइन यहाँ पर आपको 0 से लेकर 20 तक दे रखी है। जंप टू स्टेप ईच टाइम टिल यू रीच 10। पहले हमने 0 से 2 तक यानी 1 और 2 नंबर्स को जंप किया, हम 2 पर आ गए 1 टाइम, 2 और 3 को जंप करके 4 पे आ गए 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, हम आ गए 10 पे। हाउ मैनी जम्प्स डिड आई टेक यू टू रीच 10, कितने जम्प्स लिए, आई टुक 5 जम्प्स ऑफ 10, इसने लिए 5 जम्प्स लिए हैं 10 के। तो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज़ 5 into 2 यानी 2 2 के 5 जम्प्स लिए हैं और 10 पर ये पहुँच गया है। तो ये हिंट हमें इसलिए दे रखा है क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इसी तरह से करना है 4 जम्प्स ऑफ 3 स्टेप्स यानी कि 1 2 3, 3 को 0 से हमें शुरू करना है और 3 को जंप करके हम इस नंबर पर पहुंच गए, उसके बाद 1 2 3, यहाँ से 3 जंप करके हम इस पर पहुंच गए 1 2 1 2 3, थ्री स्टेप्स 1 2 3 3 स्टेप्स, तो हम यहाँ पर पहुँच गए कहाँ पर, ट्वेल्व पे। तो 4 जम्प्स ऑफ 3 स्टेप्स इट मीन्स 12 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 12। इसी तरह से यहाँ पर आपके 5 जम्प्स से 4 स्टेप के यानी कि आपको 5 5 के 4 जम्प्स लेने, यहाँ 8 जम्प्स ऑफ 2 स्टेप्स यानी कि आपको 8 8 के 2 जम्प्स लेने हैं। अभी थिंक एंड आंसर, क्लास इज डूइंग अ मैथ एक्टिविटी, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 6 स्टूडेंट ईच यानी कि 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और 3 ग्रुप्स है, हर ग्रुप में 6 6 स्टूडेंट्स है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो सबसे पहले आप 3 × 6 कर दोगे तो आपको स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। ईच ग्रुप शुड हैव 4 पेयर्स ऑफ सीजर, हर ग्रुप के पास 4 सीजर है। हाउ मैनी पेयर ऑफ सीजर्स आर नीडेड इन ऑल, ग्रुप कितने हैं आपके 3, हर ग्रुप के पास 4 सीजर है तो टोटल ग्रुप कितनी सीजर कितनी आ जाएगी। ईच स्टूडेंट शुड गेट 2 वर्कशीट एंड 3 शीट ऑफ कंस्ट्रक्शन पेपर, हाउ मैनी शीट ऑफ कंस्ट्रक्शन पेपर ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी कि हर ग्रुप के पास 3 शीट्स है कंस्ट्रक्शन पेपर की और ग्रुप भी 3 है तो नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ईच ग्रुप स्टूडेंट नीड टू आंसर 4 क्वेश्चंस ऑन ईच वर्कशीट, हर बच्चे को वर्कशीट पे 4 आंसर लिखने हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन डज ईच स्टूडेंट नीड टू आंसर, भाई एक बच्चे को 4 लिखना है, बच्चे कितने हैं हमारे पास, हाँ यहाँ पर आपने 3 × 6 निकाला है 18, तो 18 बच्चे हैं तो कितने क्वेश्चंस हर बच्चा करेगा, सॉरी एक बच्चे को 4 क्वेश्चन करने हैं वर्कशीट पे और वर्कशीट कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट गेट 3 स्ट्राइक्स ऑन देयर रिवॉर्ड चार्ट फॉर ईच करेक्ट आंसर, इफ़ अ स्टूडेंट गेट 7 करेक्ट आंसर हाउ मैनी स्ट्राइक्स विल गेट, ये आपको सेल्फ करना है, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और मैम को सेंड करना है।